हाथरस लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। हाथरस लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें सादाबाद, हाथरस और सिकंदरा राव हाथरस की विधानसभा है। इसके अलावा इगलास और छर्रा जो कि अलीगढ़ की विधानसभा है। हाथरस लोकसभा में तकरीबन 19 लाख वोटर हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। हाथरस लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। गठबंधन प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन के पक्ष में वातावरण है। जसवीर वाल्मीकि हाथरस से उम्मीदवार हैं। अहम सवाल ये नहीं कि गठबंधन को वोट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने चश्मे से इस चुनाव को देखना ठीक नहीं है। जातियां टूट रही हैं, जातियां और धर्म के नाम पर जो राजनीतियां करते थे, अब मुद्दों पर आधारित राजनीति हो रही है और लोग चाहते हैं रोजमर्रा की समस्याओं का निदान हो। उन्होंने कहा कि 400 बार को बात नहीं 4000 की बात कर रहे हैं। ये ढूंढते फिरेंगे कि वोट कहाँ चला गया। लोग अब मोदी से हिसाब करने को तैयार हैं।